का स्वागत है। आज हमारे साथ एक लोग मौजूद है जिन्हें दीवानी सर गुजरात से हमें पालनपुर से और लखनऊ से कहना चाहते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है जो कि सॉलर नवीन नगर में आए हुए हैं। मैं तो देखिए अपने घर में आया और यहाँ हमारे मतदार ने जिनके साथ शायद किसी जीवन का ताल्लुक रहने वाला है, जिसके साथ अपने परिवार के लोग मुंबई मेरा रैलियों में धरनों में आंदोलन में आना जाना होता था। आराम से तीन चार पाँच दिन रुको, कभी यहाँ चक्कर लगाओ ऐसा मौका नहीं मिला था। आज भी जरा मैं करीब करीब 32 दिन एक साथ कोरोना के चलते पालनपुर वड़गाम मेरे मध्य क्षेत्र में था। ये चार दिन का ब्रेक लिया हूँ, अपने सभी परिवार के साथियों को मिलने के लिए आया और लगातार यहाँ आना जाना रहेगा। और आज हम लोगों ने थोड़े सारे राष्ट्रीय स्तर के सवालों के ऊपर चर्चा की। भारत के संविधान और लोकतंत्र के सामने अभी जो खतरा है, इस खतरे का मुकाबला कैसे किया जाए, और मुझे लगता है कि उसमें दलित मुस्लिम समाज आदिवासी समाज जो समाज का सबसे वंचित और शोषित तबका है, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार है, उनको ही सबसे आगे बढ़कर इस आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ता है। तो और मैं मानता हूँ कि बात केवल दलित समाज को आदिवासी समाज को मुस्लिम समाज को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए जो आइडिया ऑफ इंडिया है, हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र बनाए, ये आइडिया ऑफ इंडिया जो स्वतंत्रता की हमारी मूवमेंट है जिसमें सरदार पटेल साहब थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, शहीद आजम भगत सिंह थे, अशफाक उल्लाह खान, इन सबके सपनों का भारत है। गोवलकर और सावरकर यही सबसे अहम मुद्दा पूरे दिल के साथ, वो लोग जो मनुस्मृति में मानते हैं वो गोवलकर और सावरकर में मानते हैं, जो संविधान में मानते हैं वो भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान, इसी की विरासत को हमको साथ मिल जाएगी। हमें भी बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए हमारे नवीन नगर के साथ में। आपके यहाँ ही आए बिल्कुल सही हमारे साथ केवल भाई जी मौजूद है नवीन नगर के साथ। आज हमारी जिग्नेश में से चर्चा हुई कि जो शोषित वर्ग है उनके तो सब कुछ करना ही करना है, साथ साथ देश की एकता की देश की तरक्की कैसे हो। आज के दौर के अंदर जुडिशरी CBI इलेक्शन कमिश्नर सब छठक पूरी तरह काम करते हैं, ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं। हम चाहते हैं उन पर कि रियल जो डेमोक्रेसी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस तरह हो, इसलिए हमने चर्चा की अन बिटवीन डिक्टेटरशिप जैसा है हमें रियल डेमोक्रेसी बनाने की मेहनत की।